पिलानी कस्बे के सभी घरों में टॉयलेट की एडजस्ट पाइप पर अब नेट लगेगा ताकि इन पाइपों से मच्छर न पनपे और मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों को रोका जा सके। ये फैसला लिया है युवा समाजसेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने। गांधी शास्त्री जयंती के मौके पर डेंगू मलेरिया रोकथाम के लिए डॉक्टर मालानी ने एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत शनिवार को एक फॉगिंग वाहन भी रवाना किया। डॉक्टर मालानी ने बताया कि हमारे देश की दोनों ही महान शख्सियों ने स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया था, इसलिए आज के दिन पिलानी को स्वच्छ रखते हुए उसे निरोगी बनाने का संकल्प लिया गया है। इन दिनों न केवल पिलानी बल्कि पूरे जिले में ही डेंगू मलेरिया के केस आ रहे हैं। ऐसे में शनिवार को पूरे पिलानी कस्बे में बिरला सार्वजनिक अस्पताल की ओर से फ्री फॉगिंग कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि टॉयलेट के साथ लगने वाली एग्जॉस्ट पाइप्स में ही मच्छर पनपते हैं, इसलिए इन पाइप्स को नेट से बंद कर मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए भी फैसला लिया गया है। पहले चरण में पिलानी कस्बे के हर घर में एडजस्ट पाइप में नेट लगाकर लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में यह मुहिम हर व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर फॉगिंग के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बिरला सार्वजनिक अस्पताल के प्रबंधक GR सैनी समेत अन्य मौजूद थे। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों की जयंती है, इस पुनीत अवसर पर आप जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों ही महानुभाव हमेशा आंदरूनिक स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता पर जोर डालते थे, आज क्योंकि हम बाहरी स्वच्छता कहीं नहीं रख पा रहे हैं जिसके कारण मच्छरों का प्रभाव पूरे प्रदेश में या पूरे देश में फैल रहा है, तो आज एक छोटी सी पहल हमारे जिसमें हमने पिलानी शहर में फॉगिंग करा रहे हैं जिससे हम डेंगू मलेरिया के मच्छरों पर काबू पा सके। कुछ ही दिन पहले हमने सोली गांव जहां पे बाढ़ आई थी वहां पर भी इसी प्रकार की फॉगिंग कराई थी क्योंकि वहां पर भी अक्सर मच्छरों का प्रभाव बढ़ गया था और काफी पेशेंट्स वहां पे भी हमको दिखे जो बीमार थे और हो सकता था वो डेंगू मलेरिया के केसेस हैं। ये पिलानी के पूरे शहर में होगी। इसके साथ में हमने एक दूसरी मुहिम भी छेड़ी है जिसमें हम जो एग्जॉस्ट पाइप होते हैं उसके ऊपर नेट लगा रहे हैं क्योंकि ये बेसिक चीजें जो है इससे मच्छरों पर काबू पाया जा सकता है। इसकी छोटी पहल हमने कुछ घरों और हमारे हॉस्पिटल से शुरू करी है, धीरे धीरे ये पूरे शहर में हम करने वाले हैं। जैसी यथाशक्ति यथासंभव अगर हमसे हो सके तो इसको हम ग्रामीण लेवल तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कोरोना के कारण खूब त्रासदी मची है, लोग वैसे ही कोरोना से पीड़ित हैं, डेंगू मलेरिया और भी अगर आ जाता है तो ये एक परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से एक बर्डन है, तो इसको अगर हम सही समय रहकर प्रिकॉशन ले तो इससे हम बचा जा सकता है। सिर्फ डेंगू मलेरिया के लिए ही है, कोरोना के लिए हाइपोक्लोराइड का छिड़काव होता है जो हमने COVID-19 सुरक्षा रथ जो लॉन्च किया था उसके अंतर्गत उसकी हमने प्रिकॉशन की थी और ये अब स्पेसिफिकली डेंगू मलेरिया के लिए।